हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग यूनियन बैंक इंडिया लिमिटेड को लेकर के। देखिए, स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 156 रुपीज़ पे और अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। सॉरी, ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलेंगे, अपने 52 वीक्स के काफ़ी हाई के काफ़ी करीब है। अब फंडामेंटल अगर देखें कंपनी के और बाकी हम चीज़ें देखें तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है PSU इंडेक्स। PSU इंडेक्स देखेंगे तो ये है वीकली टाइम फ्रेम पे और एक कंसोलिडेशन का फेस में एक फ्लैग टाइप का यहाँ पे बनाता हुआ स्टॉक, ये पूरा PSU बैंक का सेक्टर देखने को लग रहा है। और एक बार अगर इस रेंज से अगर बाहर निकलता है, जो कि कुछ इस प्रकार की देखेंगे, इस रेंज से बाहर तो आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर की साइड में, तो सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए ये ब्रेकआउट और आसपास, लेकिन एक काफी अच्छी चीज देखने को लग रही है कि स्टॉक कुछ इस लेवल पे अब सपोर्ट दिखा रहा है। काफी अच्छा सा एक लेवल लग रहा है और इस लेवल पे स्टॉक ने कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट दिखाया है अभी तक। तो ये सपोर्ट जोन काफी जो इसका निकल के आ रहा है ना, वो 6846 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है और ऊपरी लेवल पे अगर हम पॉइंट देखें तो 7,500 के आसपास इसके पॉइंट्स बने हुए हैं। तो अब एक ऊपरी साइड पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका कुछ अगर हम कुछ इस प्रकार का ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार का निकल के आता है। तो यहाँ से बाउंस करके क्या 7800 के आसपास ये जाएगा इंडेक्स कि नहीं जाएगा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिल रहा है कि यूनियन बैंक में, तो यूनियन बैंक में क्या लग रहा है, बढ़िया सा एक बुलिश का पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पर देखोगे तो 3 सोल्जर्स भी बने हुए हैं। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो काफी एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, वो हम जरूर देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो जा, या ये ओपन हुआ। अब इसको अगर हम जूम करें तो पहले स्टॉक काफी अच्छे से बिल्कुल एक ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था, यहाँ पर एक करेक्शन आया और स्टॉक गिरा भी। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, एक ट्रेंड लाइन डालते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से, ये देखिए एक डाउन साइड में आया 4-5 वीक रहा, अब यहाँ से एक बढ़िया सा पूरा ब्रेकआउट टाइप का आ गया है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक स्टॉक ने किया है बिल्कुल तरीके से। और वॉल्यूम भी देखोगे तो डिसेंट से लग रहे हैं और लेकिन पिकअप काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ से देखने को हम लोगों को लग रहा है। बाकी ऊपरी अगर हम लोग रेजिस्टेंस की जोन की बात करें तो ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन के काफी करीब है। यहाँ से इसको अभी हटा देते हैं और एक नई ट्रेंड लाइन हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। क्या डलती है डेडलाइन, तो यहां से इसका हाई पकड़ेंगे और बिल्कुल एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से हमने ड्रॉ कर दी। इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ये पूरा ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। तो अब कुछ मुझे लग रहा है कि एक जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 160 के आसपास, जो कि फर्स्ट 1 2, क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि या यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, क्योंकि इसके जो प्रीवियस आई था ये तो बिल्कुल अभी कॉन्स्टेंट है। एक बार इसको और ये ट्रेड लाइन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली, 161 के ऊपर का अगर प्राइस क्लोजिंग देती है तो मुझे लग रहा है कि वापस से एक बढ़िया अप ट्रेंड में स्टॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो देखिए रेंज में है, ऊपर ट्रेंड में ब्रेकआउट आएगा तो फिर आराम से मुझे लग रहा है कि जो ये टारगेट है, जो हम लोगों का लगभग 196 से 200 रुपीज के आसपास का जो टारगेट है, वो अचीव होता हुआ हम लोगों को देखने को जल्दी से जल्दी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो लग रहा है कि एक बढ़िया सा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। कि PSU बैंक में भी देखा जाए तो हम लोगों ने जो टारगेट लगाया था 8,000 पॉइंट के आसपास कोई टारगेट लगाया था, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। पहला अचीव हो गया है बिल्कुल, हम लोगों ने जो अपना 6,500 के आसपास जो अपना पहला टारगेट लगाया था वो अचीव हो गया। अब दूसरा टारगेट 8,000 के आसपास है, तो अभी देखने वाली बात होगी कि 8,000 का टारगेट अचीव होता है। बाकी यूनियन बैंक के अगर हम लोग फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। स्टॉक वैल्यूएशन भी देखा जाए तो अभी भी काफी जस्टिफाइड है, 1,19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इंटरेस्टिंग वैल्यू देखी जाए तो 243 की है, बुक वैल्यू 115 की है, डिविडेंड भी ठीक है और अभी भी आई थिंक 3.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड अभी भी कंपनी ने अनाउंस किया है, जो कि अभी इसकी एग्जिट नहीं आई है, आगे एग्जिट भी निकल के आई जाएगी। आप लोग जाकर के NSE की वेबसाइट पर चाहो तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो मार्च में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बेसिकली अगर देखा जाए तो एस्टिमेट तो जो हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो तो मैट नहीं हुए, लेकिन परफॉर्मेंस देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली लगातार अच्छा है। यहाँ पर रेवेन्यू देखोगे तो 22,000 करोड़ का था, 22,163 करोड़ का था, अब बढ़कर के 26,510 करोड़ हो गया है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो 28,12 था, मतलब 2,812 करोड़ का था, वो भी बढ़ के 33,3328 करोड़ हो गया है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखोगे हल्का सा डेंट है, क्योंकि
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बढ़ गई है वो बढ़ गए थे, थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, और भी काफी चीजें हैं जिस वजह से नेट प्रॉफिट, जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है, वो कम निकल के आया है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो नेट प्रॉफिट है वो देखा जाए तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे हल्का सा डिक्लाइन यहाँ पर 2-3% का देखने को लग रहा है, लेकिन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस लगातार कंपनी का बरकरार है। और वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो वैल्यूएशन भी काफी अभी तक जस्टिफाइड देखने को लग रही है, लेकिन अन्य कंपनियां यूनियन बैंक इतना ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाए? तो इसके पीछे रीजन है लगातार गवर्नमेंट के द्वारा इसमें की जा रही सेलिंग, लगातार ओएफएस आ रहे हैं, और ओएफएस भी देखो तो 83% के आसपास होल्डिंग हुआ करती थी जून 2023 में, उसके बाद अगेन ओएफएस आया अच्छा खासा, और अगेन जो प्रमोटर्स है गवर्नमेंट है उसने अगेन फिर से स्टेक बेचा है। हालांकि स्टेक को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर लिया गया एफआईआई और डीआईएस के द्वारा, और पब्लिक होल्डिंग देखो तो अभी भी लगातार देखा जाए तो घट रही है, जो कि काफी अच्छी चीज है, मतलब मार्केट में फ्री फ्लोट काफी कम लगातार होता जा रहा है। तो एक बड़ा मूव तो मुझे लग रहा है यूनियन बैंक में बहुत तगड़ा मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। आप लोगों के क्या व्यूज हैं अब वो यूनियन बैंक को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं अभी भी इस स्टॉक को लेकर के काफी उलझ हूँ, और मुझे यहां से भी 200 डेज के लेवल बहुत दूर नहीं दिख रहे हैं। आप लोग अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और किसी भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।